बड़ी खबर, गोल्डी बरार के भाई की हत्या का बदला लेने वाला गैंगस्टर अमित बवाना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में कई अहम राज खोल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अमित बवाना गोल्डी बरार और जेल में बंद लॉरेंस से सीधे संपर्क में था, यानी लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही गैंग की कमान संभाल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर अमित बवाना ने दिल्ली में फायरिंग की थी। गैंगस्टर अमित बवाना ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पूछताछ के समय बताया कि वो पिछले लंबे वक्त से लॉरेंस और गोल्डी बरार से सीधे संपर्क में था। तो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे विश्वासपात्र बदमाश अमित बवाना अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम की कस्टडी में। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अमित बवाना को अब फिलहाल पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। आपको हम बताया, पटियाला जेल से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे लिया गया है। लॉरेंस गैंग का बड़ा खासम खास गुर्गा है अमित बवाना। इसे आप छोटा मोटा या मामूली बदमाश आप मत समझ लीजिएगा, सबसे खासम खास ये है। और इस पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और ये भी मानते हैं कि जैसा आदेश दे दिया उसे ये पूरा भी जरूर कर देगा। यही वजह है, आपको हम बताया कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारी इसे दी जाती है। याद होगा आपको, गोल्डी बरार के भाई गुरलाल बरार की हत्या जिस वक्त की गई थी पिछले साल, उस वक्त इसे ही सबसे खास आदमी बनाया गया था और दुश्मनों से बदला लेने की जिम्मेदारी इसे ही सौंपी थी और अमित बवाना ने इसे पूरा भी किया था। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ के दौरान लॉरेंस के गुर्गे ने कई अहम राज भी उगले हैं। आपको बता देते हैं कि गैंगस्टर अमित बवाना को लॉरेंस गैंग में कौन कौन सी बड़ी और अहम जिम्मेदारियां अब तक सौंपी गई हैं। देखिए, दिसंबर के महीने में अमित बवाना को दिल्ली में 2 टारगेट सौंपे गए थे जिसके मुताबिक उसे दिल्ली को इन 2 जगहों पर फायरिंग करवाने के आदेश दिए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमित का पहला टारगेट बसंत कुंज में ग्रैंड होटल पर फायरिंग करना था और दूसरा टारगेट पंजाबी बाग में फरीदकोट के पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग करना था, जिस काम को अंजाम देने के लिए अमित बवाना ने कुछ शूटरों को दिल्ली का काम सौंपा था। इसके बाद दिसंबर महीने में 2 शूटर अपने 1 टारगेट में कामयाब हो गए थे और उन्होंने पंजाबी बाग में फरीदकोट के एक्स एमएलए के घर के बाहर फायरिंग भी कर दी थी। तो दोनों ही काम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अमित बवाना को पूरा करने के लिए दिए थे और इसी मामले में दिल्ली स्पेशल सेल लॉरेंस के गुर्गे को पटियाला की जेल से पीसी रिमांड पर लेकर आई है। 4 दिन की रिमांड है और यही वो राजदार है जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इन दोनों ही गैंग के कई राज जानता है। अब 4 दिन में उन्ही राज को उगलवाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर ऐसा हड़कंप मचाया कि लोग खौफ से भर गए। वहां कुछ बदमाश अपने हाथों में पिस्तौल लहराते दिखाई दिए। इसके बाद उनमें एक बदमाश ने अचानक गोलीबारी कर दी और सड़क के बीचों बीच चली गोलियों से वहां हड़कंप मच गया। वीडियो में सड़क के एक तरफ 4 नकाबपोश बदमाश दिखे